हाउस, दिस इज़ माई हाउस जहाँ पे मैं अभी अभी शिफ्ट हुई हूँ। और अंदर आइए पहले, फिर मैं आपको और कहानी बताती हूँ इस घर की। सो बेसिकली आई थिंक आप लोग पहले लोग हैं जो मेरे घर पर आए हैं। अभी तक मैंने बहुत लोग को इनवाइट नहीं किया है, गिनकर मेरे 3 से 4 फ्रेंड्स आए हैं अभी तक, और स्टिल इन प्रोसेस है। मैं धीरे धीरे करके सोच रही हूँ कहाँ पे कौन से वॉल पे क्या लगाना है, क्या करना है, लेकिन जितना भी है आई वुड लव टू शो इट टू यू ऑल। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो ये एंटर करते हुए ही मैंने ऐसे छोटा सा बास्केट रखा है और इसके अंदर एक्चुअली किस्मी बार रखी है, ये मेरे फ्रेंड्स को काफ़ी पसंद है। तो जैसे ही मेरे फ्रेंड्स आते हैं वो सबसे पहले यहाँ से कुछ उठा के खा लेते हैं, मुँह मीठा कर लेते हैं। जस्ट अ स्मॉल बास्केट। ये मेरा फ्रेम है, बहुत पुराना फ्रेम है। इसका एक स्टोरी है जो मेरे को ख़राब होने के बाद भी इसको इसलिए मेरे को डिस्कार्ड नहीं करना है। तो इसमें मेरी भाई की और मेरी फ़ोटो है, मेरे मॉम डैड की पिक्चर है, हम सब की फ़ोटोज़ हैं। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कोरोना चल रहा है, तो जो भी आता है तो मैं उसको पहले ही स्प्रे कर देती हूँ ताकि हम लोग सब सेफ रहें। और ये सैनिटाइज़र है तो किसी को ढूंढना नहीं पड़े ताकि। देन आई लव प्लांट्स। अभी इस घर में बहुत सारे प्लांट्स और आने हैं, बट दिस इज़ अ नाइस प्लांट। दिस इज़ अ गिटार गिफ्टेड टू मी बाय अ फ्रेंड। बजाना बजाना नहीं आता है, बट इसे सामने रखा देखते तो हमें लगता है कि चलो सीख जाएंगे कभी ना कभी। ये लैम्प है, ये टीवी है, बिकॉज टीवी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे सीरीज ये वो सब कुछ देखना होता है। बाकी ये मेरे फ्रेंड्स के बैठने की जगह है, ऑल्दो कोई यहाँ पे बैठता नहीं है, सभी इधर उधर बालकनी में, यू नो, जहाँ जगह मिलती है दे लाइक सिटिंग ऑन द फ्लोर इन द बालकनी। थोड़े से प्लांट्स मैंने बालकनी में भी लगाए हैं, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। फैंस को, फ्रेंड्स को, सबको पता है मेरे को कितना ज़्यादा यू नो पेड़ पौधे लगाने का शौक है। सो वो लोग मेरे को गिफ्ट भी, एक्चुअली लास्ट बर्थडे पे आई थिंक उन लोगों ने मेरे को प्लांट्स गिफ्ट किए थे। इस वॉल पर एक्चुअली अभी यहाँ पर मैंने कुछ ऑर्डर किया है जो आना बाकी है, और इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये एक्चुअली मेरी एक फ़ैन ने गिफ्ट किया था, और इसकी स्टोरी ये है कि जब भी उन्होंने मेरे को ये भेजा, उसके ऑलमोस्ट एक महीने के बाद आई गॉट टू नो थ्रू इंस्टाग्राम दैट शी इज़ नो मोर। और मेरे को ऐसा लगा कि हमारे फैंस हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं, लाइक वी आर सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइव्स, और यू नो हमें पता भी नहीं होता कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। सो आई मेड श्योर कि मैं इसको हमेशा अपने घर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाकर रखूँ। चलिए और मैं आपको अंदर का दिखाती हूँ। शीशा बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, मेरी लाइफ में। तो जितने भी मेरे फ्रेंड्स आते हैं उन सबको पिक्चर्स क्लिक करनी होती है। सो दिस इज़ दैट मिरर, यू कैन सी योर सेल्फ, लुक एट योर सेल्फ, क्लिक पिक्चर्स, क्लिक सेल्फीज। तो मैं यहाँ पर हमेशा ऐसे खड़े होकर यू नो अपने आप को क्लिक करती रहती हूँ। इसकी और कुछ ये एक्चुअली मेरे को पसंद आ गया था, तो ये मैंने स्पेशली ढूंढ कर पेंट करवा कर एग्जैक्टली मुझे जिस कलर का चाहिए था, आई वॉन्टेड दिस रूम टू बी लिटिल वाइब्रेंट, तो फिर मैंने इसलिए पेंट करवाया है। और ये सारी चीज़ें एक्चुअली मेरे भाई ने डेकोरेट की हैं, बहुत क्रिएटिव हो गया है वो भी। सो दिस इज़ अबाउट दिस रूम। और ये एक वॉच है जो थोड़ी फैंसी सी लगी मुझे, क्लॉक है जो मेरे को फैंसी सी लगी तो फिर मैंने लगा दिया। और रेस्ट आपको अपना रूम में दिखा सकती हूँ, किचन में ऐसे देखने के लिए कुछ है नहीं, अभी भी खाना बना है। अति गंदी, नॉट एग्जैक्टली गंदी, बट दिस इज़ माई रूम। सो दिस इज़ माई रूम, दीज आर लाइक I have only put very less frames in my room actually. जो भी सारे मेरे ही हैं। ये मेरा कमरा है, इसमें मैं सोती हूँ, टीवी देखती हूँ, रात को चिल करती हूँ, और ज़्यादा कुछ नहीं है। मैंने बस अपने 3 फ़ोटो फ्रेम्स लगाए हैं, और इधर एक छोटी सी बास्केट रखा है जिसमें मेरे सारे एसेंशियल्स हैं, मेरा बॉडी लोशन, लिप बाम जो रात को मैं यूज़ करती हूँ, और एक पानी का बॉटल रहता है। ये टीवी है क्योंकि मुझे रात को यू नो कुछ अच्छी सीरीज़ देखना, कुछ भी करना बहुत पसंद है, तो मैं यहाँ पे आराम से चिल करती हूँ। इस रूम में मेरे फ्रेंड्स की फ़ोटोज़ इसलिए नहीं है क्योंकि वो सारी फ़ोटोज़ जो मैं अभी आपको दिखाना भूल गई हूँ, हम बाहर जाएंगे। और मैंने चलिए अब आपको दिखाती हूँ, उसके बाद उसकी स्टोरी बताती हूँ।
ये एक्चुअली मेरे भाई का कमरा है, लेकिन उसको फील नहीं होता है कि वो उसका कमरा है, क्योंकि इसमें आधे से ज़्यादा सामान मेरा है। वो हमेशा मेरे से इरिटेट होकर बोलता रहता है, आप क्या है अपना मेकअप का सामान सब इधर रखते हो। बट या जो उसका है वो मेरा है, तो उसके रूम में आधा टाइम मैं ही अपना चीज़ें यूज़ करती रहती हूँ। एंड दैट्स अबाउट माई हाउस, दिस इज़ माई हाउस। ये मेरी छोटी सी पूजा की, यू नो, बिकॉज आई रियली बिलीव इन गॉड अ लॉट, और मेरे को रोज़ पूजा करना होता है, तो फिर ये मैंने छोटा सा, ये भी एक्चुअली मैंने खुद ही पेंट कराया था, बिकॉज आई वॉन्टेड समथिंग इन वाइट। और ये एक्चुअली मेरी वॉल है, जहाँ पे मेरे ऑलमोस्ट जितने मेरी लाइफ के क्लोज्ड वंस हैं उनकी पिक्चर है यहाँ पर। आई डोंट नो आप कितने लोगों को जानते हैं, दिस इज़ माई ब्रदर एंड दिस इज़ माई मदर। ये संगीता है, मेरे साथ शो में थी, और ये मेरे मॉम डैड है, ये अंकिता है, अंकिता को तो सब जानते ही होंगे। तो बस ऑल द पीपल दैट आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट राइट नाउ। ये शशांक है, ये मेरा भाई है अगेन, ये शीतल है, इनके साथ आधे से ज़्यादा लोगों के साथ मैंने काम किया हुआ है। ये खुशी है। तो बेसिकली अभी मेरी लाइफ में जितने भी लोग हैं, मेरे दिल्ली के दोस्त, मेरे बॉम्बे के दोस्त, मेरे आगरा के फ्रेंड्स जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, उन सब की मैंने ऑलमोस्ट सबकी पिक्चर लगाई हुई है। तो बस ये है मेरा प्यारा सा छोटा सा घर। आई होप आपको पसंद आया हो, और अभी इसमें काफ़ी कुछ होना बाकी है, क्योंकि मैं अभी कुछ दिन पहले ही शिफ्ट हुई हूँ, और मैं एक्चुअली मैं जब से इस घर में शिफ्ट हुई हूँ ना, आई एम ओनली ट्रैवलिंग। सो आई थिंक ये घर मेरे लिए लकी है, क्योंकि मैं कभी कहीं जा रही हूँ, कभी किसी सिटी में जा रही हूँ, तो आधा टाइम मैं घर पर थी नहीं। बट या